माता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी, 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 दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी, दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी, दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी, चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी, दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी दाता रख चर
बच्चिया पिता दे नाम रंगदा। मैं अर्ज करा हथ जोड़ चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी रख चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी घाटे विच रह गया मेरे पागा दा द्वार साइया खोल चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना दे कोल चरना दी चरना दे कोल चरना दी मौज बड़ी दाता रख चरना दे कोल चरना दी मौज स्वर्ग दी ना इच्छा रा
बड़ा आनंद आ गया। चरना दी मौज कोई रचना बयान नहीं कर सकती, क्योंकि उस मौज दा कोई इशारा होवे, कोई मिसाल होवे दुनिया ते, तां उहदी मिसाल दे के समझाया जा सकदा है। कबीर जी नूं पुछया सी, भाई तुसी स्वर्ग भी निंद दित्ते, नरक भी निंद दित्ते, ते चरणा दी मौज नूं तुसी बड़ा बयान करदे हो, ओ मौज है कैसी भला दसो तां सही। कबीर जी कहन लगे, कोई इस धरती ते मिसाल नहीं है जिदी मिसाल दे के मैं तुहानू समझा सकां भई चरणा दी मौज कैसी है। चरण कमल की मौज को कहूं कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। जे मैं कोई मिसाल दे के चरणा दी मौज नू बयान कर भी देवां, वो सुभाए मान नहीं होवेगा, क्योंकि चरणा दी मौज नू कौन दसेगा। कह कबीर गुंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए, गुंगे नू मिठाई खवा दो तां वो की दसेगा, कच्छा ही मारेगा नचेगा पर मुंह बयान नहीं कर सकेगा। जेड़े गुरु के लाल अमृत वेले जाग के इशनान करके गुरु दे चरणा विच जुड़ के आनंद माणदे हन, गुरु के शब्द रूपी चरणा नू हिरदे विच वसाउंदे हन, ए मौज उन्हां नू पता है। भाई जे तुम्ही उस मौज नू मानना चाहुना है, उसका आनंद वेखना चाहुना है, तो फिर मेहनत करनी पवेगी, भाई जुड़ना पवेगा गुरु दे चरणा विच। कहबे को शोभा ने, जे मैं कुछ मिसाल दे के समझाउंदा हाँ तो वह गल सुभाएमान ही नहीं होंदी। आ प्यार वालिया नू जिन्हां नू चरणा दी मौज चंगी लग गई, वह कहिंदे ने इच्छा नहीं स्वर्ग दी, ना इच्छा राज भाग दी, प्रीति तेरे चरणा दी मंगा महाराज जी। जे तुथा है तो तेरे चरणा दी प्रीत मेरे हिरदे विच वस जावे। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले दीवान सजिया होया, नाम दे विहाजन लई दूरों दूरों रूहां आके जुड़िया होईयां सन, ते महापुरख कहन लगे, गुरमुखो जप तप बरत कीने पेखन को चरना राम। जितने मनुख जप तप सिमरन भजन पुन दान करदा है कादे लई, कि मैनू चरणा दी प्रीति बख्शिश होवे, चरणा दा प्यार मेरे। ते महापुरख बाबा आनंद सिंह जी कहन लगे, जे चरण प्राप्त हो गए, जे चरण मिल गए तो फिर की मंगोगे। ते सारी संगत हैरान हो गई, भई चरणा दी प्राप्ति हो गई फिर हुण मंगण दी की लोड़ है, होर की बाकी रह गया जेड़ा मंगण वाला है। पर बाबा जी दे सामने किसे दी जुरत नहीं सी होंदी कोई बोल जावे, क्योंकि महापुरख दी उडारी ते साडे कलयुगी जीवां दी उडारी विच बड़ा फर्क है। जिथों दी गल उन्हां करनी है असी सोच नहीं सकदे, असी किसे अखरां दा अर्थ तां कर लवांगे पर उसदा भाव और जो अनुभव नाम जपन वालियां दा होंदा है वो किसे होर दा नहीं होंदा। कहन लगे चरणा दी प्राप्ति हो गई ते फिर की मंगोगे, तां फिर आप ही प्यार विच आके रब दे रंग विच रते होए। कहन लगे गुरमुखो जदों चरणा दा प्यार मिल रहा होवे, चरणा दी प्राप्ति हो जावे, तां चरणा विचों चरणा दी प्रीति मंग लैण, क्योंकि कोई वस्तु मिल जावे ते फिर उदे नाल प्यार ना बने। कोई वस्तु सानू प्राप्त हो जावे, निरंकार दे दर्शन हो जान, ते प्यार ही नहीं बनया, स्नेह ही नहीं होया, ता फिर ओ रस ओ स्वाद उस बख्शिश तो खाली रह जाईदा।
ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੰਗ ਲਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਜੋ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਵਰਗ ਤਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਰਾਏ ਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੋ, ਸੰਤਨ ਕੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤ ਅਰ ਆਦ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਮੌਜ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਬਾਗ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਛਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ, ਭਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਝੋਲ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਲਵੋ ਜੋੜ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ, ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ
ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਹਰ ਜੀ ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਬੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਰਨਾਂ परमेश्वर कोट फला दर्शन गुर दीते चरण मिठे जिन्हां नूं लग गए चरना तो भाव है गुरु का शब्द तम संसार चरण लग तरी है हजूर कहिंदे ने जिन्हां नूं शब्द रूपी चरण प्राप्त हो गए हैं वो संसार सागर तो सुते ही पार हो जाएंगे पर मिठे लगे क्योंकि बाणी मिठी नहीं लगी तो प्यार नहीं बनया जे प्यार नहीं बनया तो फिर हिरदे विच जोत नहीं जगेगी इसलिए माई चरण गुर मीठे धन गुरु नानक पातशाह जी दे सत्कार योग माता जी ने जेड़ी घर दी दासी सी तुलसा ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਤੁਲਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਧੀ ਇਸਥਿਤ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾਸੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਉੱਪਰ ਚਦਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚਰਨ ਆਪ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਚਟੇ ਤਾਂ ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਗਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਜਾਗ ਗਈ ਜਗਾਉਣ ਤਾਂ ਗਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪਰ ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਜਾਗ ਗਈ ਕੀ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਵਰਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੇੜੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁੰਭਰ ਕੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕੰਧੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਲਸਾਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕੰਧੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਹੁਣ ਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ ਕਿ ਤੁਲਸਾਂ ਦਾਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ
धन गुरु नानक पातशाह समाधि तो उत्थान होए, जदों प्रसादा सकन बैठे तो माता तृप्ता जी दे दो नैणा विचों मोती डिग पए। माँ जी तुसी रो रहे हो, आख्या लोग तो मखौलियां करते ही हन, भई नानक कोई कार विहार नहीं करता, वेला है, पता नहीं इसनूं की होए है, पता नहीं की चमड़िया होया है। लोग तो मखौलियां करते ही सन, पर अज दासी ने भी मखौल किया, हुण तां नौकराणियां भी सानू मखौल करन लग गईयां। ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने जदों सुनी, भई दासी ने कहा है कि भाई मन सुख दा बेड़ा कंधी ला रहे हां, ते धन गुरु नानक पातशाह सोते ही कहन लगे, माता जी इहदी गल दा बुरा ना मनाओ, इह चली है, उचारण करो श्री वाहिगुरु। ते दुनिया वल्लों उह चली हो गई, ते निरंकार वल्लों उहदे द्वार खुल गए। हुण जिधर वेखदी है उस अकाल पुरख वाहिगुरु दा नूर ही नूर नजर आ रहा है, कोई दूसरा पासदा नहीं। तुलसा दासी ए जीव जदों गुरु नानक दे चरणा नाल लग गई, सिर्फ आप ही नहीं तरी, कुल ही नहीं तरी, अनेकां कुलां दा उधार हो गया तुलसा दासी दा। ए है जिन्हां नूं चरण मिठे लग गए हन, इसलिए यही अरदास करी दी है, दाता रख चरणा दे कोल। काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी अग सारे ही लगी हुई है, इस छड़दे बलदे होए संसार तो बचा लै, साड़ी बाँ फड़ लै, अपने चरणा नाल जोड़ी रख, ताकि तेरा सिमरन सास ग्रास करके असी अपना जीवन सफला कर सकीए। दाता रख चरना दे कोल, चरना दी मौज मरी, दाता रख चरना दे कोल।